हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इंस्टाग्राम मैसेज के अंदर अगर आपको नोट्स ऑप्शन शो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप उसे कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करते हैं और मैसेज बॉक्स के अंदर जाते हैं, तो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नोट्स ऑप्शन शो होता है, कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं और जो भी नोट्स में डालते हैं वो आपको शो हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इंस्टाग्राम के अंदर मैसेज बॉक्स के अंदर नोट्स ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो इसे आप कैसे ला सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम के अंदर आ जाना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम के अंदर आ जाते हैं फ्रेंड्स, आपको प्रोफाइल आइकन के अंदर आना है, थ्री लाइन के अंदर आके एंड सेटिंग के अंदर आ जाना होगा। जैसे ही आप सेटिंग के अंदर आ जाते हैं फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन शो होते हैं। सो उनमें से आपको हेल्प का ऑप्शन शो होगा। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ से आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम करने के लिए नहीं बोलूँगी, यहाँ से ओनली आपको हेल्प के अंदर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप यहाँ से आपको हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिलता है, हेल्प सेंटर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ से हेल्प सेंटर पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर अगेन थ्री लाइन शो होती है ऊपर की ओर, थ्री लाइन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड रिपोर्टिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको थर्ड नंबर का ऑप्शन शो होगा, हाउ टू रिपोर्ट थिंग्स, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप फ्रेंड्स इस पर क्लिक कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर कई सारे आपको शो हो रहे हैं ऑप्शन। सो यहाँ से आपको जो सेकंड ऑप्शन रिपोर्ट है मैसेज दैट यू रिसीव ऑन इंस्टाग्राम, सेकंड जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं, अब नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, वॉज दिस हेल्पफुल एंड यस और नो, तो आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे आप नो पे क्लिक कर देते हैं, अब आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, फोर ऑप्शन शो हो रहे हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग, फर्स्ट है द इंफॉर्मेशन इज़ कंफ्यूजिंग, सेकंड द सॉल्यूशन डज नॉट वर्क, थर्ड है आई डोंट लाइक द प्रोडक्ट ऑफ फोर और पॉलिसी, फोर्थ है अदर, तो आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है, द सॉल्यूशन डज नॉट वर्क। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, अब आपके यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, एक बॉक्स में ऑप्शनल लिखा हुआ आ रहा है और इस बॉक्स के अंदर आपको लिख देना है होगा इंस्टाग्राम मैसेज बॉक्स नोट्स ऑप्शन, नोट्स ऑप्शन, नोट्स ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, सो प्लीज़ गेट मी दिस ऑप्शन। एंड यहाँ पर आपको लिख देना होगा थैंक यू। इतना लिखने के बाद है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना होगा, नीचे की ओर सबमिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स सबमिट पे आप क्लिक कर देते हैं, ये जो फीडबैक है इंस्टाग्राम टीम के पास पहुँच जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको इतना करने के बाद क्या करना होगा, अपने मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। और जैसे ही आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, आपको अपना अकाउंट एक बार थ्री लाइन पे जाना है, सेटिंग पे जाना है, और यहाँ से आपके अकाउंट को है फ्रेंड्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल कर लेना होगा। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट प्रोफेशनल बना लेना है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग में चले जाना होगा। सेटिंग में जैसे ही आप चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐप मैनेजर का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है, या फिर आपके मोबाइल में ऐप्स एप्लीकेशन नेम से भी आपको मिल सकता है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन हैं सब आपको यहाँ से शो हो जाती हैं। सो उनमें से आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, स्टोरेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्लियर डाटा कर लेना है। फ्रेंड्स आपको क्लियर डाटा तभी करना है जब अगर आपको इंस्टाग्राम के पासवर्ड और यूज़र नेम याद हो, क्योंकि क्लियर डाटा करने के बाद आपको इंस्टाग्राम को अगेन लॉगिन करना होता है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पासवर्ड और यूज़र नेम याद होंगे तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्लियर डेटा करके, अगर पासवर्ड और यूज़र नेम अच्छी तरह से याद है तो आपको क्लियर डेटा करके अपनी आईडी को अगेन लॉगिन कर लेना है।
इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको लास्ट स्टेप मैं बता देती हूँ, अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में आ जाना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर में आ जाते हैं तो आपको सर्च बार के अंदर इंस्टाग्राम सर्च करना होगा और यहाँ से आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेते हैं तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये प्रॉब्लम आ रही थी इंस्टाग्राम के अंदर नोट्स ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा था, वो ऑप्शन आपको 101% इंस्टाग्राम में मैसेज बुक्स के अंदर शो हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।